और छत्तीसगढ़ की सियासत से जुड़ी एक और बड़ी जानकारी, कांग्रेस से आम आदमी पार्टी हाथ मिला सकती है, यानी कि दोनों गठबंधन में चुनाव लड़ सकते हैं। विधानसभा चुनाव के लिए इस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। दोनों गठबंधन के साथ ही चुनाव लड़ने के नतीजे पर बहुत ही जल्दी पहुंचेंगे, इस बारे में भी सूत्रों के हवाले से खबर है। एक दो दिन में फैसला हो सकता है। बड़े नेताओं की रायशुमारी के बाद ये फैसला लिया जाएगा कि आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ेगी या फिर अकेले चुनाव लड़ने वाली। और छत्तीसगढ़ के चुनावी मैदान में उतर चुकी आम आदमी पार्टी ने गौवंश की नीलामी को लेकर प्रदेश सरकार पर हमला बोला है। पार्टी का कहना है कि जिस गौमाता और गौठान के लिए कांग्रेस सरकार ने अपनी ब्रांडिंग की चंद रुपयों के लिए, उन्हीं को अब नीलाम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव को त्रिकोणीय बनाने की पुरजोर कोशिश कर रही है। प्रदेश की दोनों प्रमुख पार्टियों के बीच जारी घमासान के बीच पार्टी हमलावर है। आम आदमी पार्टी ने गौवंश की नीलामी को लेकर प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर हमला बोला है। पार्टी ने कहा कि गौमाता के नाम पर अपनी ब्रांडिंग करने वाली सरकार चंद रुपयों के लिए गौवंश को बेचने पर उतर आई है। गौठान के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद गायों की नीलामी निंदनीय है। गौठान योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। रायपुर नगर निगम के इस फैसले के खिलाफ आम आदमी पार्टी सड़कों पर उतरेगी। गौठान के नाम पर करोड़ों का भ्रष्टाचार करने वाली सरकार का इससे बुरा चेहरा क्या हो सकता है, इससे बुरी बात क्या हो सकती है कि आप गाय माताओं का आप नीलामी करने के लिए आप हो चुके हैं और पेपर के माध्यम से आप लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं कि आओ और गाय खरीदो। जब आपका गाय गोबर बिक रहा है, वर्मी कंपोस्ट बिक रहा है, गौमूत्र बिक रहा है, लोग करोड़पति बन रहे हैं, इन गाय माताओं का संरक्षण क्यों नहीं दे पा रहे। एक तरफ बघेल सरकार पर बीजेपी ताबड़तोड़ आरोपों के तीर छोड़ रही है, वहीं आम आदमी पार्टी भी भ्रष्टाचार, घोटाले और गलत नीतियों को लेकर लगातार हमलावर है। ऐसे में सूबे की सत्ता बरकरार रखने की कवायद में जुटी कांग्रेस को दोहरी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। युगल तिवारी, न्यूज 18, रायपुर। भाई आपने गोठान बनाया, भूपेश सरकार गोधन की बात करती है, गौमूत्र की बात करती है, गौ माता की बात करती है और उसको सुरक्षित रखने के लिए, पालने के लिए गोठान बनाए। जनता की गाढ़ी कमाई का 1300 करोड़ रुपए गौ माता के नाम पर आपने खर्च किया, उसमें भी बड़ा भ्रष्टाचार किया और अब गाय को पकड़कर आप नीलाम करना चाहते हैं, तो गोठान किस लिए बताया? क्या गाय को नीलाम करके आप कसाईयों को देना चाहते हैं या उसकी तस्करी करवाना चाहते हैं? इसलिए तो हम शुरू से कहते हैं गाय और राम ये भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति और परंपरा में है। कांग्रेस तो इसे राजनीति के लिए उपयोग कर रही है, देखा ना आखिर नीलामी कर रहे हैं ना गायों की। देखिए भारतीय जनता पार्टी अस्त राजनीति कर रही है। कांजी हाउस में जब कोई आवारा पशु बंद होता है तो एक समय के बाद में उसको उसकी नीलामी की जाती ताकि उन पशुओं के बारे में कोई उसको खरीदना चाहे, उनको पालना चाहे तो खरीद सकता है। इससे सरकार के ऊपर भी व्यय नहीं आता है, ये पुरानी परंपरा। 2017 में तो भारतीय जनता पार्टी के सरकार के समय गोवंश की नीलामी होती थी लेकिन उसके बाद उसकी देखभाल नहीं की जाती थी। और दुर्ग में बीजेपी सांसद सरोज पांडे ने मंच से मुख्यमंत्री से रक्षाबंधन का तोहफा मांगा है। महिला मोर्चा के रक्षाबंधन के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सीएम भूपेश बघेल ने शराबबंदी की बात कही थी। रक्षाबंधन के मौके पर बहनों को आप तोहफा देते हैं, इसलिए प्रदेश की सभी बहनों को तोहफे में शराबबंदी दे दी जाए। आक्षेप ने उनसे आग्रह किया कि माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं इस राखी को भेजती हूँ, आप शराब बंदी का आपने वादा किया था, मेरा आग्रह है कि आप उपहार में जरूर कुछ न कुछ देते हैं और जब रक्षाबंधन का पर्व आता है, जब कलाई पर हम राखी बांधते हैं तो कुछ चाहिए नहीं। मेरे भाई की आयु लंबी हो जाए, मेरी उम्र भी उसको लग जाए, हम यही कामना करते हैं, लेकिन भाई भी अपना फर्ज निभाता है, जो बहन मांगती है उसे जरूर देता है और नहीं मांगती है तो भी देता है, वो उसका प्यार है, उसका स्नेह है। लेकिन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी से जब मैंने शराबबंदी का वादा पूरा करने की बात कही, क्योंकि इन्होंने शराबबंदी का वादा हम सब बहनों से किया था, छत्तीसगढ़ की हर बहन से किया था और इन्होंने कहा था कि हम शराबबंदी लागू करेंगे, सब बहनों ने टूट कर कांग्रेस को वोट दिया, मैंने वादा याद दिलाया।
और मैंने कहा कि आप वादा पूरा कर दीजिए, इस राखी यही उपहार दे दीजिए। मुख्यमंत्री जी ने उसको राजनीति बना दिया। हमने बिल्कुल चाहते थे कि शराबबंदी हो, लेकिन जब यहाँ के लोगों से बातचीत कुछ इसके बारे में जब ग्राउंड वर्क किया, तब ऐसा लगा कि अभी समय ठीक नहीं है शराबबंदी लागू करने के लिए। ग्वालियर से अगली बड़ी खबर, जहां ग्वालियर में डेंगू का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। गुरुवार को डेंगू के 17 मरीज मिले हैं। जयरोग अस्पताल और जिला अस्पताल में 66 सैंपल्स की जांच हुई थी। 10 साल के बच्चे समेत 17 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई है। ग्वालियर जिले के 10 और अन्य जिलों में 7 मरीज शामिल है। जिले में डेंगू का बढ़कर आंकड़ा 75 जा पहुंचा है। तो ग्वालियर से बड़ी खबर, डेंगू का प्रकोप लगातार ग्वालियर में बढ़ता हुआ, कई ऐसे मरीज जो कि अब लगातार निकलकर सामने आ रहे हैं। 66 सैंपल्स की जब जांच हुई जिला अस्पताल और जयरोग अस्पताल संयुक्त रूप से, अगर हम बात करें इनमें से 17 मरीज जिनमें डेंगू की पुष्टि हुई है, 10 साल के बच्चे में भी डेंगू मिला है। और ज्यादा जानकारी हम लेंगे सहयोगी सुशील कौशिक ग्वालियर से, हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सुशील, ये जो आंकड़ा सामने आ रहा है निश्चित तौर पर डराता हुआ, लेकिन क्या प्रबंध निगम की तरफ से इसके रोकथाम के लिए कोई? इस साल डेंगू लगातार असर दिखा रहा है और यही वजह है कि कल भी जो डेंगू की रिपोर्ट आई है जयरोग्य अस्पताल और जिला अस्पताल मुरार की, उसमें 66 सैंपल में से 17 लोगों को जो है डेंगू की पुष्टि हुई है। इनमें 10 मरीज ग्वालियर जिले के हैं जबकि 7 मरीज ग्वालियर जिले के बाहर के हैं। इसी के साथ आंकड़ा भी बढ़कर 60 से ऊपर पहुँच चुका है ग्वालियर जिले में डेंगू पॉजिटिवों का। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं डेंगू का जो आंकड़ा बढ़ता जा रहा है वो ये इशारा कर रहा है इस साल डेंगू कहीं ना कहीं ग्वालियर चंबल अंचल में बड़ा असर दिखाएगा। और जहां तक इंतजाम की बात करें तो नगर निगम की टीम और उसके अलावा स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन की टीमें ग्वालियर शहर सहित जिले भर में लार्वा का सर्वे करने में जुटी हुई है। इसके अलावा फोगिंग की भी कवायद शुरू कर दी गई है। साथ ही जो जल भराव वाले इलाके हैं वहाँ भी नगर निगम सफाई कराने में जुटी हुई है। तो निश्चित तौर पर प्रबंधन अपनी जगह है, लेकिन अब लोगों को भी सचेत रहना पड़ेगा और जहां मच्छरों के प्रकोप है वहां से लोगों को बचना पड़ेगा। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने भी कहा कि अगर किसी तरह का बुखार आता है या परेशानी होती है तो लोगों को तत्काल टेस्ट कराना चाहिए, क्योंकि डेंगू कहीं ना कहीं अगर लापरवाही बरती तो वो लोगों की सेहत के लिए घातक हो सकता है। तो अब जो डेंगू का आंकड़ा बढ़ रहा है, मौसम विभाग का भी ये कहना है और उसके अलावा स्वास्थ्य विभाग का भी कहना है कि जो मौसम में गर्मी है ग्वालियर चंबल अंचल में बारिश ना होने के चलते, इससे डेंगू का असर और तेजी से बढ़ रहा है। और अगर इसी तरह के हालात रहे तो डेंगू का ये जो ग्राफ है ये लगातार बढ़ेगा, जब तक कि इलाके में सर्दी का असर शुरू नहीं होगा तब तक डेंगू इसी तरह से बढ़ेगा, ऐसी आशंका जताई है स्वास्थ्य विभाग ने। निश्चित ही जिस तरह से हम इस बात का भी जिक्र लगातार कर रहे हैं कि मॉनसूनी सीजन है, आने वाले समय में मरीजों का आंकड़ा बढ़ सकता है। सुशील, बीते सालों की अगर बात करें तो क्या आंकड़े इस तरह के रहे हैं ग्वालियर में जो डरा सकते हैं इस बार भी स्थिति में? अब देखिए, पिछले साल की अगर बात करें तो पिछले साल डेंगू का असर ज़्यादा नहीं रहा था, क्योंकि पिछले साल ग्वालियर चंबल अंचल में बारिश भी औसत से ज़्यादा हुई थी और लगातार बारिश का दौर चला था। लेकिन 2021 की बात करें तो 2021 में ग्वालियर चंबल अंचल में डेंगू ने भारी असर दिखाया था। उस दौरान डेंगू के 6000 से ज़्यादा मरीज ग्वालियर में ही अकेले सामने आए थे और करीब 3 से 4 लोगों की उस दौरान मौत भी हुई थी 2021 का जो वाकया था डेंगू के प्रकोप का। तो कहीं ना कहीं इस साल जिस तरह का सिम्टम्स नज़र आ रहा है लोगों में और जिस तरह से डेंगू के ग्राफ बढ़ रहे हैं और डेंगू के मरीज सामने आ रहे हैं, उससे स्वास्थ्य विभाग ने भी ये आशंका जाहिर की है कि इस साल डेंगू का प्रकोप ग्वालियर चंबल अंचल में 2021 की तरह ही ज़्यादा रहेगा। और यही वजह है कि न सिर्फ स्वास्थ्य विभाग, जिला प्रशासन के साथ ही आम लोगों के लिए भी ये चुनौतीपूर्ण समय रहेगा कि उन्हें डेंगू से किस तरह से बचना है। स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन, नगर निगम तो अपने